शॉप के बारे में ऐसे क्या खासियत है भटूरे और छोले के जो मतलब पब्लिक को यहाँ आना चाहिए? सर बेसिकली मेन जो है हम हाइजीनिक पे फूड पे जी और टेस्ट पे ध्यान दे रहे हैं जी। जो हमारे छोले पिंडी छोले होते हैं। अच्छा पिंडी छोले देते हैं आप जी। पनीर वाले भटूरे होते हैं हमारे। अच्छा पनीर, उसके अंदर पनीर स्टफ्ड है? पनीर स्टफ्ड होता है, अजवाइन होती है। ओके। बेसिकली हमारा मकसद ये है कि अगर कोई खा रहा है जी, तो लोग कहते हैं कि भाई छोले भटूरे खाने में बहुत ज़्यादा हैवी हो गया जी, या मुझे पच नहीं रहा जी। तो हमारे यहाँ पे आप कभी भी आप खाओगे तो ऐसा नहीं होगा कि हैवी हो गया, बल्कि आपको यही फील होगा कि लाइट है। तो बेसिकली क्या है कि हम अजवाइन हींग काफ़ी चीज़ें इसमें मिक्स करते हैं, इससे किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो पाओ, कोई प्रॉब्लम ना हो जी। डाइजेशन भी अच्छे से हो जाए। राइट, ठीक है। और ये कितना टाइम हो गया शॉप को खोले हुए आपके यहाँ पे? सर हमें ऑलमोस्ट अभी 1 ईयर होने वाला है, एक साल होने वाला है। और भी कोई ब्रांचेज है यहाँ पे? नहीं फिलहाल यही है। अच्छा, तो ये मतलब फूड बिजनेस में आप अभी नए या पहले से आते हो? इससे पहले कुछ नहीं, यही हमारा पहला सेटअप है। अच्छा पहला सेटअप है यहाँ पे। तो अच्छा क्या टाइमिंग है आप लोगों के? सर सुबह 8 बजे शुरू हो जाता है जी, और डिपेंड करता है बाकी कब तक चल रहा हमारा छोले भटूरे, कई बार 4 बजे खत्म हो जाता है, नहीं तो 7 बजे तक दुकान खुली रहती है। ऑफिशियल टाइमिंग 7 बजे तक है, सुबह 8 बजे से जी। और किसी दिन ऑफ भी रखते हैं आप? नहीं कोई ऑफ नहीं होता हमारा। अच्छा, और छोले सिर्फ छोले भटूरे अभी है, उसके अलावा कोई और भी आइटम है? हमारे पास छोले भटूरे, छोले चावल है, अभी एक आइटम हमारी ज़्यादा चल रही है जो है समोसे छोला चाट। समोसे छोला चाट जी, चाट बना के लोगों को दिया जाता है जी। समोसे हैं, ब्रेड पकौड़े हैं, समोसे हैं। अच्छा छोले भटूरे की बात करता हूँ, इसका पर प्लेट प्राइस कितना है? सर हमारा ज़्यादा नहीं है, 60 रुपीज़ है। 60 रुपीज़ जी पर प्लेट है। ओके, तो उसमें दो भटूरे? दो भटूरे होते हैं पनीर वाले, छोले होते हैं छोले के ऊपर पनीर होता है। अच्छा अच्छा, एक चीज़ और, जैसे भटूरे के साथ आपने छोले की सब्जी दी, अगर सब्जी खत्म हो जाती है तो दोबारा लेने के लिए फिर से चार्ज है या फ्री है? नहीं फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री ऑफ कॉस्ट है जी। ठीक है, सब्जी सलाद चटनी कोई जितनी बार भी ले सकता है जी। तो ये आपके फादर है जी। आपने सर को आइडिया दिया खोलने का, ये कैसे था? ये दोनों का आइडिया था। अच्छा, दोनों का आइडिया था, तो खाने के शौकीन था जी, थोड़ा ये काम करने का जी, तो मैंने हेल्प की, हेल्प करी मैंने, तो चलो ठीक है जी, आ जाए। ओके, बच्चे की इसमें खुशी है जी जी जी। तो ये एरिया जो है ये साकेत एरिया, आप एक बार पूरा बता दीजिए। ये इग्नू रोड पड़ता है एक्चुअली। अच्छा इग्नू रोड जी, इग्नू रोड पड़ता है, यहाँ पे पर्यावरण कॉम्प्लेक्स है मेनली, जो लैंडमार्क है पर्यावरण कॉम्प्लेक्स यहाँ पहुँचने के लिए। ठीक है, बाकी तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा यहाँ की लोकेशन, और आपको एक बार मैं हाइजीन का भी दिखाया था, यहाँ पे जो पूरे स्टाफ है सबने मास्क लगा रखा है, एक बार दिखा दीजिए सब लोग। और ये देखिए यहाँ पे पूरी कारीगरी चल रही है इनकी। तो भैया भूख लग रही है, एक प्लेट लगवा दीजिए छोले भटूरे जल्दी से। ठीक है, मैं आपको एक बार शॉप दिखाता हूँ बाहर से। अंदर बैठने का सिस्टम अभी नहीं है, राइट? से बाहर जी, बाहर खाने का, बाहर खाने का ही है अभी। ठीक है, थैंक यू सर। ये देखिए ये शॉप है हमारी, मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। ये है राजन जी छोले भटूरे, और यहाँ पे आपको एकदम बढ़िया पुरानी दिल्ली के स्टाइल के छोले भटूरे मिल जाएंगे। और चलिए अभी टाइम ज़ाया ना करते हुए खाना टेस्ट करते हैं और रिव्यू करते हैं कि कैसे हैं। बाकी जो जितना यहाँ पे ये क्लेम कर रहे हैं वो टेस्ट में बात है या नहीं है वो मैं आपको अभी आगे वीडियो में दिखाता हूँ। ये गया आलू। अच्छा आलू के ऊपर ही छोले डालते हैं आप? जी सर। अच्छा, और किसी को अलग से खाना हो तो अलग से भी रख देंगे? जी सर जी। ये हरी चटनी, ये है चटनी, ये ऑनियन, ये डाला भैया ने प्याज, हरी मिर्ची भी है? जी सर। ये रहा हरी मिर्ची और गाजर का साग, ये रहा ये डाला हरा धनिया, ये रहा ये क्या डाला भैया? पनीर। जी सर, हाय हाय, तो भैया ने छोले को पूरा दुल्हन की तरह सजा दिया यार। जी सर, ये देखो छोले, उसके अंदर आलू, और एक मिनट भैया, उसके ऊपर पनीर, ये प्याज, हरी मिर्च और चटनी। जी सर, तो चलिए अब इंतज़ार नहीं हो रहा, अब इसको करते हैं टेस्ट। भटूरे, ये छोले, इसके अंदर मैं आपको छोले दिखाता हूँ। ये देखिए आप, छोले हैं, इसके ऊपर पनीर है, ये हरा धनिया, और अंदर इसके आलू है, एकदम फ्राइड आलू। ये देखिए ये रहा आलू। तो चलिए इसका इंतज़ार नहीं हो रहा, इसके पहला बाइट लेते हैं और इसका रिव्यू करते हैं। राजन जी छोले भटूरे साकेत, पहला बाइट में लेता हूँ छोले का, क्योंकि छोले भटूरे की जान है ये। ना ज़्यादा स्पाइसी, एकदम परफेक्ट टेस्ट है। अभी मैं इसको भटूरे के साथ ट्राई करता हूँ। भटूरे के अंदर मैं आपको एक बार इसको जूम इन करके दिखाता हूँ आपको।
ये देखिए भटूरे के अंदर यहाँ पे इन्होंने पनीर भर रखा है, पनीर की स्टफिंग है और अजवाइन है, हरा धनिया है, एकदम परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। अब इसका टेस्ट करते हैं भटूरे के साथ। छोले भटूरे मैं जब भी खाता हूँ तो मैं पूरा एकदम राक्षसों की तरह पूरा बाइट उसका भर के एकदम हाथ में लेके खाता हूँ, मुझे कोई शर्म नहीं आती है उसमें। और ये चलिए एक नंबर भाई, मज़ा आ गया। मतलब जो ऑथेंटिक जो टेस्ट है, जो छोले होने चाहिए, जो पिंडी छोले हैं ये, जैसे कि यहाँ पे क्लेम करते हैं कि पुरानी दिल्ली का जो आपको टेस्ट है वो यहाँ मिलेगा, पुरानी दिल्ली का टेस्ट नए ज़माने में आपको राजन जी छोले भटूरे पे आप ज़रूर आइए, आप निराश नहीं होंगे। 60 रुपए की प्लेट है ये, साठ रुपये में आपको पनीर वाले भटूरे मिल रहे हैं और भटूरे दो जितनी जो साइज़ है भटूरों का, मेरे हिसाब से इन दो भटूरों में आपका पेट आराम से भर जाएगा। और अगर भटूरे खाते खाते आपके छोले ख़त्म हो जाते हैं तो आप दोबारा ले सकते हैं छोले, उसका कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं है। ये सबसे अच्छी बात है आपके यहाँ पे, 60 रुपये आराम से अफोर्डेबल, आप इजीली अफोर्ड कर सकते हैं इसको। और ये गया मेरा दूसरा बाइट, सीधे मेरी आत्मा को छू रहा है जाके, ऐसा लग रहा है कि मतलब जन्मों से जो भूखा होता है ना उसको अगर एकदम उसका मनपसंद खाना मिल जाए और जो अंदर फील होती है, इतनी खुशी तो मेरी गर्लफ्रेंड से शादी करने के बाद ना हो जो मैं ये छोले भटूरे खाने में आ रही है। ये लस्सी है भैया, साथ में लस्सी है ये। तो इसकी रेटिंग, मेरी रेटिंग रहेगी इसको 10 में से 9.5 नंबर पूरे। ये खाने की रेटिंग है, खाने की क्वालिटी बहुत बढ़िया है। मैं हाइजीन की बात करूं तो अंदर सब लोग प्रॉपर प्रोटोकॉल फॉलो कर रहे हैं, सबने मास्क लगा रखे हैं, अपने हाथ सैनिटाइज करते हैं प्रॉपर तरीके से, हाइजीन की आपको कोई चिंता नहीं है। ये देखिए आप, ओए होए होए होए, प्रॉपर तरीके से भरा हुआ पनीर और ये हरा धनिया इसके अंदर। अब मैं काम करता हूँ, इसके अंदर भर लेता हूँ छोला। और अब इसके ऊपर भी लगा लेता हूँ, मैं बोला मैं राक्षसों की तरह खाता हूँ इसको। छोले भटूरे मेरे फेवरेट है, जब भी नॉर्थ इंडियन खाने की बात आती है, नॉर्थ इंडियन स्ट्रीट फूड की बात आती है, तो छोले भटूरे मैं हमेशा टॉप पे रखता हूँ। एक बाइट चटनी के साथ भी। तो भैया मैंने जो एक ब्लॉग किया था लोकल छोले भटूरे का, उन लोगों ने बहुत नेगेटिव कमेंट दिए मेरे को उस पे कि बहुत पुराना है, बहुत मशहूर है। अगर कोई दुकान मशहूर है इसका ये मतलब नहीं है कि उसके टेस्ट में वाकई वो बात अब रही होगी, पहले रही होगी, अब वो बात नहीं है। मेरा रिव्यू जेन्युइन रहता है। ये जो दुकान है 1 साल पहले खुली है, नई दुकान है, थोड़ी छोटी दुकान है, लेकिन जो टेस्ट है इनका, जिस प्यार से इन्होंने ये खाना बनाया है छोले भटूरे पूरी शिद्दत के साथ, वाकई वो चीज़ इनके टेस्ट में दिख रही है। तो चलिए साथ में इन्होंने लस्सी भी दी है। तो छोले भटूरे का तो मैंने आपको टेस्ट बता ही दिया, रिव्यू दे ही दिया, अभी लस्सी का भी कर लेते हैं। अरे ये देखिए, ये ऊपर क्या डाला हुआ है इसके ऊपर, ये थोड़ा मलाई और रूह अफ़ज़ा, ये रूह अफ़ज़ा। ओके तो चलो, गर्मी का टाइम है, गर्मियाँ पड़ गई हैं दिल्ली में, छोले भटूरे के साथ साथ लस्सी मिल जाए तो वाह क्या कहना उसका। चलिए लस्सी का भी रिव्यू कर लेते हैं। जो लस्सी के ऊपर जो रूह अफ़ज़ा की टॉपिंग है, घूमर रखती है ऐसे चाशनी की तरह जा रहा है अंदर। मतलब जितनी गर्मी है यहाँ पे, खोलती हुई गर्मी पड़ रही है दिल्ली में, सारी आपको ठंडक तरोताज़ा कर देगी ये लस्सी। लस्सी की रेटिंग मेरी रहेगी 10 में से पूरे 9 नंबर इसके।
भाई छोले भटूरे छोले भटूरे परफेक्ट कॉम्बिनेशन है, छोले भटूरे और साथ में लस्सी। निराश नहीं होंगे आप, जरूर आइए यहाँ पे। फिर से बोल रहा हूँ, राजन जी छोले भटूरे, एड्रेस मैं आपका यहाँ नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप देख सकते हैं। ओवरऑल रेटिंग मेरी इसकी 10/9 है। वीडियो पसंद आया तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, कमेंट में बताइएगा मेरे को और कौन सी जगह आप चाहते हैं मैं रिव्यू करूँ, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।